जानता है आयुर्वेद के अद्भुत फायदों के बारे में। बच्चों से लेकर नौजवान तक, गर्भवती महिला से लेकर वृद्ध तक, आयुर्वेद में सबके जीवन में गुणवत्ता बढ़ाने की अद्भुत क्षमता है। आयुर्वेद एक बिल्कुल ही अलग पद्धति है और इसके माध्यम से आप बिना किसी साइड इफेक्ट के अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ आयुर्वेदिक उपचार बताने वाले हैं जो आप सभी के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच उठना अधिक लाभदायक होता है। यह बहुत जरूरी है कि सुबह आप पानी ही पिए और यह ध्यान रहे कि पानी रूम टेम्परेचर के बराबर रहे। अगर पानी रात को तांबे के बर्तन में आप रख देते हैं तो यह ज्यादा लाभदायक होता है। आंखों को प्रतिदिन ताजे पानी या त्रिफला के पानी से धोना काफी हितकर होता है। दांतों, मसूड़ों और जबड़ों को मजबूत करने के लिए ऑयल पुलिंग करने की कोशिश करें। इससे आपके आवाज में सुधार होगी व गालों पर आई झुर्रियां ठीक होंगी। गुनगुने तिल के तेल को मुंह में रख करके मुंह में चारों तरफ हिलाएंगे और कुछ देर बाद उसे थूक देंगे तथा उंगली के सहायता से मसूड़ों को हल्का हल्का मालिश करेंगे। नस्य करना चाहिए। जी हाँ, नस्य का मतलब है नाक के माध्यम से कुछ बीमारियों का इलाज करना। नस्य करने के लिए गाय के घी को हल्का गुनगुना गर्म करके प्रत्येक नाक में 3-3 बूंद डालना चाहिए। यह नाक को चिकनाई देने में सहायता करता है तथा साइनस की प्रॉब्लम को ठीक करता है और आवाज, आंखों और मानसिकता स्पष्टता में सुधार करता है। इस तरह नाक से प्राण को पोषण मिलती है और बुद्धि में विकास होता है। रोजाना पूरे शरीर को तेल से अच्छी तरह से मालिश करना चाहिए। अगर आप ऐसा रोज नहीं कर सकते हैं तो चाहिए कि कम से कम 3 अंगों पे मालिश रोज जरूर करें। जी हाँ, आपको कान, सिर और पैर पर मसाज करने से काफी खुशी मिलेगी और साथ ही सिर दर्द, बालों का झड़ना, गंजापन या सफेद होने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। अच्छी नींद आएगी। अच्छी हेल्थ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, विशेषकर योग करना काफी जरूरी होता है। यह बीमारी के खिलाफ सहन शक्ति और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। बॉडी में केमिकल को साफ करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। यह शरीर के अंगों की प्रभाविता को बढ़ाता है और भूख तथा पाचन शक्ति को ठीक करता है। माथे, बगल और रीढ़ पर पसीना आने तक अपने क्षमता के अनुसार रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। अपने बॉडी को डिटॉक्स करने और अपने से निगेटिविटी को दूर रखने के लिए चाहिए कि रोज सोने से पहले अपने पैर को अच्छी तरह से पानी से धो लें। अपने पैरों को नमक के पानी में सोक करने की कोशिश करें। प्राण को अपने शरीर में पूरी अच्छी तरह से फ्लो करने के लिए सीधे बैठें। जी हाँ, प्राण ब्रह्मांड प्राण का वह जरूरी चीज है जो शरीर को ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। इसकी एनर्जी नासिका छिद्रों से हार्ट लेवल तक पहुंचती है। प्रत्येक शाम 7 मिनट के लिए एक दीपक की लौ पर टकटकी लगाकर त्राटक क्रिया जरूर करें। यह आंखों की रोशनी और मेमोरी में सुधार करता है। अगर आप हमेशा जवान, खूबसूरत व स्वस्थ बने रहना चाहते हैं तो इन 11 नियमों को आज से ही अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।